हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एन क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर होने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1020 होने वाली है। दोस्तों, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कौन नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 1020 स्टाफ नर्सों की भर्ती को कैबिनेट ने दी है मंजूरी। तो कैबिनेट के यहां से 1020 स्टाफ को मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं आगे पूरी इन्फॉर्मेशन की कि कहां से ये मंजूरी मिली है। तो IPHS के मानकों के तहत प्रदेश में 4000 पद खाली है, यानी कि 4000 वैकेंसीज खाली है और अभी सेंशन हुई है 1020। तो यह बात है सारी देहरादून से। तो देहरादून से प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड यानी कि IPSC के मानकों के तहत सरकारी अस्पतालों में 4000 से अधिक स्टाफ नर्सों की ज़रूरत है। इसके लिए कैबिनेट ने 1020 नर्सों की नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में मानकों के अनुरूप तैनाती किया जाएगा यानी कि लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने को सरकार ने IPSC मानकों के तहत सभी सरकारी अस्पतालों की श्रेणी तय की है। IPSC के मानकों को पूरा करने के लिए अस्पताल में लगभग 4000 से नर्स अधिक स्टाफ नर्सों की कमी है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि देहरादून के मुख्यमंत्री है, रावत की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में स्टाफ नर्सों की नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो भी देहरादून के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। तो यहाँ पर अब प्रदेश में PHC टाइप ए 525, PHC टाइप बी 52 और उप जिला अस्पताल 21, जिला अस्पताल 16, तो ये ऐसे डिवाइड की गई है वैकेंसीज़, जो कि आपको जल्द ही वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी जो है 1020 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देहरादून के कैंडिडेट्स के लिए यह गुड न्यूज़ है, यहाँ पर ओनली देहरादून के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट रहने वाली है, जिसके लिए आपके जल्द ही आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको इन केस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।